Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Now we are going to start our lesson. Open your maths book page number 5. Today we learn addition. Addition being plus karna, jama karna, ikattha karna. Question number 1 hai, count and add. गिने और जमा करें. क्वेश्चन 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी. इन 4 पार्ट्स में हमारे पास इशिया की तस्वीर दी गई है जिन्हें हमने काउंट करना है और मेंशन किए गए क्वेश्चन के साथ ब्लॉक में उसका आंसर लिखना है. सबसे पहले हम ए करते हैं. ए में हमारे पास है 5 + 3, यानी पहले हमारे पास 5 बाल्स थे जिनमें हमने 3 बाल्स को प्लस करना है. तो इस तरह से हम सारे बाल्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 + 3 = 8. नेक्स्ट है बी, 2 + 8. पहले हमारे पास 2 सी शेल्स थी जिनमें हमने 8 सी शेल्स प्लस करनी है. तो हम इन सारी सी शेल्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 + 8 = 10. नेक्स्ट सी, सी में हमारे पास 4 गिटार्स थी जिनमें 5 गिटार्स को हमने प्लस करना है. तो हम इन सारी गिटार को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 + 5 = 9. नेक्स्ट डी, डी में हमारे पास 3 लेडी बर्ड्स थी जिनमें हमने 7 लेडी बर्ड्स को काउंट करना है, प्लस करना है. अब हम इन्हें गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 + 7 = 10. क्वेश्चन नंबर 2, यूज द नंबर लाइन टू हेल्प यू एट. अब हमारे पास नंबर लाइन दी गई है, नंबर लाइन को यूज करते हुए हम प्लस करेंगे. क्वेश्चन ए, 1 + 7 1 + 7. अब हम नंबर लाइन का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ. नंबर लाइन में 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसमें से 0 को काउंट नहीं करेंगे. यानी 0 की लाइन को इसमें जब हम प्लस करेंगे तो 0 की लाइन को हम इन लाइन्स के साथ काउंट नहीं करेंगे. 1 + 7, 1 को हमने मार्क किया, उसके बाद 7 लाइन्स हमने इसमें प्लस करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये अब हम इस डॉट से लेके इस डॉट तक काउंट करेंगे कि हमारी कितनी लाइन्स हुई हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 + 7 = 8. नेक्स्ट बी, 3 + 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 1. तो पहले हम 3 को मार्क करेंगे, 3 पे हमने छोटा सा निशान लगाया, उसके बाद 1, एक लाइन हम इसमें प्लस कर देंगे. तो अब हम 1 से लेके 4 तक काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4. तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 + 1 = 4. नेक्स्ट सी, सी है 8 + 2. हमने पहले 8 पे मार्क करना है, उसके बाद 2. 1, 2. अब हम 1 से लेके इस डॉट तक मार्क करेंगे, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 + 2 = 10. नेक्स्ट डी, 5 + 4. अब हम पहले 1 से लेके 5 तक मार्क करेंगे, उसके बाद 4. 1, 2, 3, 4. अब हमने 1 से लेके इस डॉट तक काउंटिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 5 + 4 = 9. आप काउंट करके भी आंसर देख सकते हैं और नंबर लाइन के नीचे बने हुए नंबर के ज़रिए भी आप आंसर को देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है. नेक्स्ट 6 + 4. अब हमने 6 को मार्क करना है और 4 लाइन्स इसमें प्लस करनी है, 1, 2, 3, 4. तो हमारा कौन सा नंबर नीचे आया, 10. यानी 6 में जब 4 प्लस होगा तो आंसर आएगा 10. नेक्स्ट 1 + 6.
वन को हमने मार्क किया, उसके बाद सिक्स लाइन्स हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स तक हमने किया। तो अब हमने काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 + 6 = 7। इसी तरह आपने जी से लेके एल तक नंबर लाइन को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। इसके अलावा नोटबुक पे आपका काम है। नोटबुक पे आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 3। पहला क्वेश्चन है 3 + 1। सेकंड क्वेश्चन है 2 + 5। तीसरा क्वेश्चन है 5 + 5। अब मैं आपको उन क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताती हूँ। 3 है हमारे पास और हम इसके साथ 3 लाइन्स लगाएंगे। 1 है तो 1 लाइन लगाएंगे। अब हम इन लाइन्स को काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4। 3 + 1 = 4। नेक्स्ट 2 है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे। 5 है तो 5 लाइन्स लगाएंगे। इन लाइन्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 + 5 = 7। नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 5। तो हमने 5 के साथ ऊपर 5 लाइन्स लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे वाले 5 के साथ भी हमने 5 लाइन्स लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इन सारी लाइन्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 + 5 = 10। ये रहा का नोटबुक का काम और बुक पे आपने पेज नंबर 5 कंप्लीट करना है। लेसन ऑफ द डे कंप्लीटेड। अल्लाह हाफिज़।